जो एक बहुत ही बड़ा लार्जर दैन लाइफ शो है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। इस शो के बारे में अगर हम कहें तो सबसे शुरुआत कर सकते हैं हम प्रोड्यूसर से। इस शो के प्रोड्यूसर हैं मुक्ता धुन जी, जिन्होंने बालाजी के कितने सारे शोज़ अभी तक क्रिएटिव डायरेक्टर में किए हुए हैं और इसके पहले भी उनका एक दिव्य दृष्टि शो आ चुका है और अब ये उनका सबसे बड़ा शो जो वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं। सो नो डाउट जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उनका जब अपना पहला शो आएगा तो 100% उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा होगा। उसके अलावा शो के जो डायरेक्टर हैं वो है ललित प्रधान जी, जिनके इशकबाज जैसे कई सारे शोज़ स्टार प्लस पे और डिफरेंट चैनल्स पे आए होंगे और बहुत ही उनका नाम इन शोज से बना हुआ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे टेलीविजन सीरियल्स ऑडियंस को दिए हैं और ऑडियंस का मनोरंजन किया है। इसके सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्या कहना, वो शो सेटर रहे हैं काफ़ी सारे शोज़ के। ऋषि गांधी जी, इनका अपना एक ऑरा है, इनका अपना एक ग्रैंडियर लेवल है। जितनी शूट हुई है वो सब एलेक्सास पे शूट हुई है जो कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में अभी तक कभी नहीं हुई है और जिस शो का कैनवास जो देख रहे हैं हम वो इतना लार्जर दैन लाइफ है, जिसमें एक्सटीरियर लोकेशंस पे शूट किया गया है तो भी 200 लोग पीछे, डांसर्स और ग्रैंडियर, स्टॉर्म की सिचुएशन, बाढ़, और उस बाढ़ का जितना मतलब हम बोलने के लिए बहुत इजी होता है, पेपर पे लिखने के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन वो जब दर्शाया जाता है तो उसकी वो लेवल अगर नहीं सही तरीके से पोर्ट्रे हुई तो वो आपके शो का पूरा ग्राफ ख़राब कर देती है। तो इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस पे इतने ब्यूटीफुली शूट किया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन ऑ है कि ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, ये शो क्या लेके आए हैं हम सब और क्या किस तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है स्टार प्लस का ये सबसे बड़ा शो होगा और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सभी के हैं इससे। सभी लोग खूब मेहनत से इस शो को हार्डवर्क अपना पूरा पुट इन करके, जैसे हमारे शो की रज्जो है सेलेस्टी ने लिटरली कई बार ऐसे ऐसे फाइट शॉट्स और ऐसे ऐसे जगहों पे केबल शॉट्स और सब दिया है कि उसके हाथ वाथ सब छिल गए बेचारे, लेकिन फिर भी हूँ खींची हुई क्योंकि उसको पता है कि वो क्या शो हम कर रहे हैं। सो उसमें ये सब चीज़ें होना बहुत जायज़ है, फिर भी उसने ड्यूप यूज़ नहीं किया है। हमारे शो के जो हीरो हैं राजवीर सिंह, उसके बारे में क्या कहना, उन्होंने तीन शोज़ किए हैं अभी तक और मैं उनका जो ऑरा देखती हूँ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का ठहराव है, ही लुक्स वेरी ऑसम ऑन द स्क्रीन प्रेजेंस। उनका एक बहुत सुंदर स्क्रीन प्रेजेंस आ रहा है और कई बार हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका ऑरा जैसे ऋतिक रोशन का ऑरा है, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, दैट काइंड ऑफ इनपुट आप जो दे रहे हैं वो लग रहा है। उसके अलावा जितने हमारे को स्टार्स हैं शो पर, अविनाश जी हुए या मल्लिका जी हुई, दिव्यांगना हुई, आयुषी हुई, आयुषी तिलक और उत्कर्ष हुए, उत्कर्ष गुप्ता, अंकित भारद्वाज और सभी स्टार कास्ट, हर एक कोई अपने तरीके से इतना बढ़िया कर रहा है और इतना ऐड ऑन कर रहा है इस शो में, एक अपना एलिमेंट हर एक का, अपना एक स्टाइल हर एक का, हर एक कैरेक्टर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जो सेलेस्टी की मॉम बनी है उन्होंने भी अपना गुनगुन, वो भी अपना काफ़ी अच्छा नाम रखती है और उन्होंने भी एक जिस तरीके से उनका एक फील आ रहा है शो में, एवरी कैरेक्टर लुक्स फैबुलस। मैं यही कहूँगी कि मुझे इस शो को करने में बहुत प्राउड फील होता है, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इस शो का पार्ट बनने का मौका मिला। एंड मैं यही कहूँगी, आप सभी से विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है मेरी फिल्म्स में, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया है, आपका एक आशीर्वाद दिया है और इस शो को भी उस आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है, आप लोग इस शो को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा और ज़रूर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे देखिएगा। ये शो आज से शुरू होने जा रहा है, 22 अगस्त शाम के 7 बजे हर रोज़ आपको देखने मिलेगा आपके घर में, हमेशा आपको पाखी दिखेगी अब हर रोज़। सो उसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने ऑडियंस से फिर से एक बार उसी तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ पर वो ये मनसा रखते हैं कि आप हमें दिखती नहीं हैं, आप हमसे मिलती नहीं हैं और हमको आप ज़्यादा मूवीज़ कीजिए, तो लीजिए मैं अब आपके हर घर में हर रोज़ देखूँगी। मेरा कैरेक्टर है मधुमालती का, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो अपने परिवार को लेके बड़ी पॉजिटिव हैं, अपने परिवार को बहुत डिफ़िकल्टीज उसने आगे बढ़ाया है और बनाया है और जहाँ वो खड़ी होती है सिर्फ उसकी चलती है और किसी की नहीं चलती। सो जहाँ वो बोलती है सब चुपचाप हो जाते हैं कि इसकी सुनो नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा।
सो जो एक टेरर, एक प्यार और एक सम्मान इन्होंने बनाया हुआ है, वो बहुत ही अपने परिवार को लेके पॉजिटिव हैं और परिवार को लेके एक बहुत प्यार रखती हैं, और उसी प्यार में वो कई कई जगहों पर हल्की निगेटिव भी नज़र आती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे देखेंगे तो आपको बाकी का पूरा समझ में आएगा, कि मैं पूरा बता नहीं सकूंगी। प्यार की कहानी है इसमें जी, लेकिन आप प्यार में भंग करती हो। मैं भंग नहीं करती हूँ, मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ, और वो हर एक परिवार के सदस्य का हक होता है कि वो अपने परिवार को, कहीं अगर वो गलत जा रहा है, कहीं कुछ गलत कर रहा है, तो उससे उसको बचाने की कोशिश करें। सो आप ये नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे तो लोगों को देख के दे जाएगा प्यार करने वालों को, आशिकों को, आशिकों को, आशिकों को लगेगा कि पाखी भी सही है, कहीं अपनी जगह पे वो भी सही है, और जो प्रेम करने वाले हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। सो कहाँ कौन गलत जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है, वो तो आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अभी तक आपने नेगेटिव रोल नहीं किया, पहला आपका शो है वो भी हिंदी में, नेगेटिव रोल के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? नेगेटिव बहुत ही टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं जो अपना ऑरा रखती हूँ बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, और मैं हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचती हूँ। सोचती हूँ कि हर एक की अपनी स्ट्रगल और सफ़र अपना है, उसमें किसी को कुछ कभी किसी वक्त किस तरीके से करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ये मानने वाली पाखी जब नेगेटिव सोचना चाहती है, नेगेटिव करना चाहती है, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके किस तरीके से उस कैरेक्टर को स्टडी कर रही हूँ कि क्यों नेगेटिव हो रही है और किस तरीके से मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ। तो इट इज़ शेपिंग अप वेरी ब्यूटीफुली, और मुझे लगता है लोग भी पसंद करेंगे इसको। तो सब सेट पे आप भोजपुरी से बिलोंग करती हो और हिंदी में पैर रखे, तो आपको कोई ऐसा फील हुआ कि किसी ने भोजपुरी ऐसा? नहीं, बहुत ही प्यारा वेलकम सभी ने किया, और जितने भी सेट पे लोग हैं, जितने भी हमारे सेट पे डायरेक्शन टीम हुई या असिस्टेंस की टीम हुई या टेक्नीशियन की टीम हुई, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं, ये फील हुआ, और बहुत ही वॉर्म वेलकम रहा कि ओ माय गॉड, आप टेलीविजन कर रही हैं। सो जितने टेक्नीशियंस हैं उन सबसे एक कहीं ना कहीं मुलाकात ऑलरेडी हुई है, सो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सटेंडेड फैमिली में गई हूँ, एक्सटेंडेड घर ही है जहाँ पर मैं गई हूँ। तो सभी के पास से इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं वापस एक बार कनेक्ट हो गई हूँ, और कंटिन्यूसली एक्टिंग कर रही हूँ, जो कि सबकी कंप्लेंट रही है कि आप नहीं कर रही कुछ भी, तो वो कंप्लेंट उनकी अब जल्द ही दूर हो जाएगी। भोजपुरी से कोई स्टार, खेसारी, पवन या कोई सब ने आपको इसके लिए बधाई? ऑफ कोर्स सभी ने बधाई दी है, और सभी ने कॉल करके मैसेज के थ्रू मेरे वीडियोज़ को इंस्टाग्राम पे शेयर करके, मुझे टैग करके, सभी ने अपना प्यार दुलार और अपने गुड विशेस कन्वे किए हैं। हर एक ने, दिनेश जी ने हुआ है, रवि जी ने हुआ है, खेसारी जी ने हुआ है, सभी ने अपने पर्सनल नोट पे भी मुझे कॉल करके मुझे विशेस दिए हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो समझ सकते हैं कि हम एक अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी एक जो एकजुटी है, वो एकजुटी इस प्यार में दिख के आती है। सो थैंक यू सो मच।